जो है स्पेस बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, आप उसको खाली करना चाहते हैं लेकिन आपको जो है यहाँ पर नहीं मिल रहा है आपको चांस, या तो आपको जो है बहुत सारे फाइल्स ऐसे जो आपको मालूम ही नहीं है वो किस तरीके से उसको यहाँ पर जो है रिमूव करना है, वो किस तरीके से जो जितना भी वायरस जितना भी स्टोरेज है उसको यहाँ पर आपके मोबाइल से निकालना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आज हमारे वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहना दोस्तों। यहाँ पर एक अच्छा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू दोस्तों यहाँ पर उसका सॉफ्टवेयर है वो खुद ऑटोमेटिकली जितने भी जो वेस्ट फाइल्स होते हैं वो सारा का सारा वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा, और आपको यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होंगे वो यहाँ पर डिलीट नहीं होंगे, जो भी यहाँ पर जो ये सिस्टम वो गलत लगेगा वैसे फाइल जो है यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हैं, अगर बाई मिस्टेक अगर कोई भी इंपॉर्टेंट होगी तो भी आप यहाँ पर जो इसको रिकवर भी कर सकते हैं, वो वाला ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। वो कौन सा एप्लीकेशन और किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हमारे वीडियो में बताएंगे हम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी कम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर यह है प्ले स्टोर पर आना है, प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है स्पीड क्लीनर। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो ये वाला जो एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पर रेंडर हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप यहाँ पर इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हमने यहाँ पर जस्ट ओपन के ऊपर क्लिक किया। जैसे आप यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वेट करना है, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं एग्री एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर थोड़े बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, या तो कोई परेशानी की बात नहीं अगर नहीं पड़े तो भी। तो सिंपली आप यहां से क्या करना है, आपको एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको आगे का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं एलो का ऑप्शन आ गया यहां पर। जैसे हमने एलो के ऊपर क्लिक किया तो आप नीचे देख सकते हैं स्पीड क्लीनर, आपको यहां पर इसी तरीके से 2-3 बार आ जाएगा। ये आने के बाद आपको यहां पर वेट करना है थोड़ा देर के लिए। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा जो क्लीन एंड बूस्ट है वो सब हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए मेरे पास 3 वायरस कैसा दिख रहा होगा यहाँ पर, लाइक जंक क्लीन, सिक्योरिटी स्कैन और स्लिपबोर्ड मैनेजर, आपको यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगा। आपके पास कुछ अदर भी है या फ़ोन बूस्ट करने का ऑप्शन, मतलब फ़ोन बूस्ट करने की ज़रूरत है तो आपका मोबाइल खुद आपको यहाँ पर दिखा देगा कि आपके मोबाइल को फ़ोन बूस्ट करने की ज़रूरत है या तो CPU कूलर की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर देख के कर सकते हैं वो सब। उसके लिए आपको यहाँ पर VPN कनेक्ट करना होगा, आप यहाँ पर कोई भी VPN को कनेक्ट कर सकते हैं। हम एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर न्यूयॉर्क की जो VPN है उसको कनेक्ट किया, आप यहाँ पर कोई भी VPN को कनेक्ट कर सकते हैं। VPN मस्ट होता है यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए। तो ये करने के बाद यहाँ पर जो छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आया, हम इसको यहाँ पर हटा देते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को। तो दोस्तों ये हटाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जंक क्लीन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, इसी तरीके से यहाँ पे क्लीन कर लेते चले जाना है। जहाँ पर भी आपको जो है एरर दिख रहा होगा यहाँ पर जो इस एप्लीकेशन खुद आपको दिखा देता है कि आपको जो है कहाँ पर ज़्यादा स्पेस जो है आपका वो वेस्ट हो रहा है, कितने फाइल्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे फाइल्स हैं जो कि मैं कभी यूज़ नहीं करता, तो वो सारे फाइल्स जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है स्कैन हो रहे हैं, और देख सकते हैं एक एक फाइल जो है कितना, लाइक 1.5 GB एंड MB 2.4 GB आपको कितना दिख रहा होगा। अगर आप ये हटा देंगे यहाँ पर से तो यहाँ पर सारा जो मतलब स्पेस जो है वो आपका यहाँ पर बच जाएगा, अच्छा खासा स्पेस जो है आपका बच जाएगा। अगर आप नॉर्मली फाइल मैनेजर में जाके आपका स्टोरेज वहाँ पे क्लीन करेंगे तो वो आपको यहाँ पर वो खुद आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी फाइल डिलीट करना है और कौन सी फाइल को आपको रहने देना है। यहाँ पर जो जितना भी मोबाइल में वेस्ट डाटा होता है जितना भी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू वो कैप्चर हो जाता है, मतलब वो ले लेता है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो रिमूव भी कर देता है। तो आपको यहाँ पर जो देख सकते हैं मेरे पास 5 GB स्टोरेज तक जो है सिर्फ इसी फाइल से मेरे को जो है प्रॉफिट हो गया। अगर फाइल मैनेजर से करते हैं तो आप यहाँ पर इतना नहीं मिलता आपको, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है MBs को डिलीट करते होंगे फाइल से, क्योंकि वहाँ पर इतने फाइल्स होते हैं आपको समझ में नहीं आता है कि कौन से इसके अंदर यूज़फुल फाइल्स है और कौन से इसके अंदर बेकार फाइल्स है। तो अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैच कर लेगा और यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिलीट भी कर देगा, तो आपका जो स्पेस है वो यहाँ पर तो बढ़ ही जाएगा।
तो उसी के बाद दोस्तों इसी तरीके से आपको यहाँ पर कर लेना है, जैसे कि आप मेरे करें सिक्योरिटी स्कैन बचे हुआ है, उसके बाद स्लिप पोर्ट मैनेजर बचे हुआ है। अगर मैं इन दोनों को भी क्लियर कर दूँ तो मेरे पास जो भी स्टोरेज की प्रॉब्लम होगी वहाँ पर वो तो बेहतर हो जाएगी। अगर लाइक मेरे पास थोड़ा बहुत तो स्टोरेज बच जाएगा यहाँ पर करने के लिए कुछ भी वीडियोज़ को डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पर आप इजीली इसी तरीके से जो है आपके पास जो भी होगा वो कर सकते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पर कोई भी डेंजरस आइटम्स जो है, मतलब डेंजरस एप्लीकेशन जो है वो नॉट फाउंड है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा वैसा एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में नहीं है जिससे जो है मेरे फ़ोन को वायरस भर सके। तो उसके बाद आप यहाँ पर नीचे स्लिप बोर्ड का देख सकते हैं, उसके बाद आपको नीचे भी देख सकते हैं लार्ज फाइल्स इमेजेस वीडियोज़ वो ये, आप यहाँ पर जाके भी आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और सारा बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करेंगे तो। अगर आपके पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टोरेज को लेकर तो आप यहाँ पर जो इसको यूज़ करिएगा। इसके अंदर जो है आपको मिनिमम 10 GB तक तो यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा, स्टोरेज फ्री हो जाएंगे आप यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर 24.3 MB तक एक एप्लीकेशन है। अगर मैं ये सारा डिलीट कर दूंगा तो इतना तो मेरे पास से यहाँ से जो है रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, फेसबुक इंस्टाग्राम वो है, तो हम यहाँ पर इसको रहने देते हैं। तो जैसे दोस्तों इसी तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है, अगर आप भी यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, या तो इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो DM के थ्रू भी आप आपकी जो प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर आके फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर DM के जरिए आप आपके जो भी डाउट्स है वो शेयर कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की पूरी ट्राई करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।